अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। भारत की सियासत कितनी निचली सतह पर जा रही है, इसे समझने की जरूरत है। आज जिस मौजू पर तबसरा कर रहे हैं, महज एक सियासी प्रोपेगेंडा न समझें, बल्कि मुल्क को तोड़ने की और साथ में समाज में जहर नफरत फैलाने की कोशिश कह सकते हैं। सभी जानते हैं कि मुसलमान आजकल निशाना पर है। भारत के मुसलमानों को अक्सर पाकिस्तानी हिमायत होने का इल्जाम भी लगाए जाते रहे और ये तमाम संघी विचारधारा का हिस्सा है। जाहिर है जब भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है तो साथ में समाज को तोड़ने की बंटवारे की भी राजनीति चला ही रही है। भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान हिमायती साबित करने की कोशिश करने से एक तीर में दो निशान की तरह भाजपा इसका फायदा लेना चाहती है। पिछले ऐसी कई वारदातें हैं जिसमें सियासी रैलियों में मुसलमानों की जानिब से और खासकर कांग्रेस की रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए कि कहानियां बनाई जाती रही। यकीनन इसका फायदा भाजपा को ही होता है और यह हमने देखा भी है। आज एक बार फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने का इल्जाम कांग्रेस के नासिर हुसैन की जीत का जश्न में किया जा रहा है। राज्यसभा के चार जगहों पर चुनाव में एक पर भाजपा तो तीन पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। चार जीतने वालों में अजय माकन, जीसी चंद्रशेखर, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन तीनों कांग्रेस, तो भाजपा के नारायण भांडगे हैं। डॉक्टर नासिर हुसैन की जीत में नासिर हुसैन जिंदाबाद के नारे लगाए गए और अक्सर इसी तरह से होता आया है, पर इसकी वीडियो को पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हुए पूरे रियासत में एहतजाज किया गया। आज बेलगाम में भी पाकिस्तान हिमायती नारों को लेकर एहतजाज किया गया, यहां तक कि कांग्रेस भवन में दाखिल होने की कोशिश की गई। लिहाजा यह बहुत ही संजीदा बात है जिसे बार बार नजरअंदाज किया जाता रहा है। कोई बताए तो सही क्या आखिर पाकिस्तान की हिमायत में कोई क्यों कर नारे लगाएगा। और ऐसा नहीं कि खुफिया एजेंसीज या पुलिस महकमा को मालूम नहीं है, लेकिन कहते हैं झूठ को बार बार दोहराने से सच लगने लगता है और इसका फायदा किसी और को हो ही जाता है। इससे पहले बेलगाम में भी इसी तरह राजू सेठ जिंदाबाद के नारे लगाए गए, तो यहां भी इसी तरह का नैरेटिव चलाया गया। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी पाकिस्तान हिमायती नारे लगाने की खबरों को मखसूस मीडिया की जानिब से चलाया जाता रहता है और पूरे दिन भर इस पर खबरें चलाई जाती है। फिर इसी बात को लेकर रियासत में और जहां भी जरूरत हो वहां एहतजाज किया जाता है ताकि माहौल तो बना रहे। आखिर जहां भी कोई फिरियादी रहता है, इल्जाम गलत साबित होने पर उस पर क्यों कार्रवाई नहीं की जाती, ये भी एक सवाल है। और इस तरह के इल्जाम सिर्फ सियासी तौर पर लगाए नहीं जाते बल्कि एक समाज को यहाँ कड़गरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन हकीकत सभी जानते हैं कि पाकिस्तान हिमायती कौन है, क्यों बार बार पकड़े जाते हैं, जो खुफिया जानकारी फराहम करते रहते हैं। खैर एक अलग मौजू है, उस पर अलग वीडियो बनाए। 2018 के चुनाव के वक्त भी बेलगाम में इसी तरह के नारों का फर्जी वीडियो चलाकर कांग्रेस उम्मीदवार जो मुस्लिम था उसे हराया गया। जब यह बार बार होता रहता है और इसके पीछे का मकसद भी मालूम रहता है तो फिर खुफिया एजेंसियां आखिर कर क्या रही है, ऐसा सवाल भी जरूरी हो जाता है। अक्सर यह भी देखने को मिलता है कि सिर्फ चुनावी नतीजों के बाद या सियासी रैलियों में पाकिस्तानी हिमायती नारे लगाए जाने का हवा खड़ा कर दिया जाता है, फिर खामोशी देखने को मिलती है, क्योंकि जिसे इस तरह के खबरें या अफवाहें फैलाकर जो हासिल करना है हासिल तो हो जाता है। जैसा हमने पहले भी कहा है कि एक तीर से दो निशान वाला मामला हासिल हो जाने के बाद फिर अगले इलेक्शन का इंतजार रहता है फिर इस तरह की खबरें चलाने के लिए। और जहां भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो जाता है या फिर जीत जाता है तो फिर यह फॉर्मूला फिर से इस्तेमाल किया जाता है। आज पूरी रियासत के तकरीबन शहरों में इस तरह का एहतजाज किया गया, खासकर बेलगाम, मंड्या, चित्रदुर्ग, बेंगलोर में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की गई, जिस पर वजीर आला सिद्धरामैया ने कहा कि यह इल्जाम सिर्फ भाजपा की जानिब से नहीं है बल्कि कुछ मीडिया वालों ने भी इस तरह के इल्जाम लगाए हैं कि नासिर हुसैन की जीत के जश्न में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अगर इसमें कुछ भी सच्चाई सामने आती है तो उस शख्स पर कार्रवाई सख्त की जाएगी। सिद्धरामैया ने कहा कि हमने आवाज की रिपोर्ट एफएसएल को भेज दी है, अगर रिपोर्ट में सच पाया जाता है कि किसी भी शख्स ने पाकिस्तान की हिमायत में नारे लगाए गए हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने इशारा दिया कि अगर मुजरिमों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो रियासती सतह पर बड़ा एहतजाज शुरू किया जाएगा। अगर कुछ पिछले वाकये देखे जाए तो इस तरह की वारदातें बारहा पेश आई है।
2018 में भी राजस्थान लोकसभा चुनाव के वक्त नारायण सिंह भाटी राजस्थान राजसमंद के उम्मीदवार थे। यहाँ भी भाटी साहब जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। इसी तरह बेलगाम में 2018 और 2023 के चुनाव में एक बार अजीम भाई जिंदाबाद को तो एक बार राजू सेठ जिंदाबाद को पाकिस्तान जिंदाबाद बनाया गया। नू फसाद की एफआईआर में तक पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाए जाने की बात कही गई ताकि मुसलमानों को लेकर एक तरह का नजरिया आम बनता रहे। 25 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की रैली में पाकिस्तान हिमायती नारे लगाए जाने का इल्जाम भाजपा की जानिब से लगाया गया। वैसे देखा जाए तो भाजपा का इल्जाम पुराना है कि कांग्रेस मुस्लिम हिमायती तो है ही, साथ में पाकिस्तान हिमायती भी है। इसमें किसी तरह की सच्चाई नहीं है, ये सभी जानते हैं, पर एक माहौल एक नजरिया पेश करने में फायदेमंद साबित हो सकता है, इतना भाजपा को भी मालूम है। और खासकर जो नई पीढ़ी है, इनकी नई नस्ल, जो नौजवान हैं, जज्बाती होते हैं, अगर भाजपा की तरफ जा भी रहे तो इस तरह के नैरेटिव का योगदान कह सकते हैं। सुबह शाम मीडिया के जरिए इस तरह की खबरें फैलाकर जहनसाजी करने का काम बड़े ही मनोज़म अंदाज में किया जा रहा है। भोपाल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पाकिस्तान नारे लगाए जाने का इल्जाम भोपाल भाजपा की जानिब से लगाया गया और एक एफआईआर भी दर्ज की गई। इसके बाद वीडियो फर्जी होने की बात कही गई। इसे लेकर कांग्रेस ने भी मुकदमा दर्ज किया था। आसाम के वजीर आला का तो नाम आपने बारहा सुना होगा कि मुसलमानों को लेकर वैसे भी वो काफी तश्वीशनाक बयान देते रहते हैं। हेमंत विश्व शर्मा ने बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की रैली में इसी तरह पाकिस्तानी नारे लगाए जाने का इल्जाम लगाया और इसे भाजपा के अशोक सिंगल और डॉक्टर राजदीप रॉय ने भी रिट्वीट किया। मतलब झूठ को किस लेवल पर परोसा जाता है, और आसानी तब और भी हो जाती है अगर कोई मुसलमान हो, इसको तो सीधे पाकिस्तानी हिमायती ठहरा जाता है। ताज्जुब तो उस वक्त होता है जहां बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेकर खुफिया एजेंसी के अफसर मुलाजमीन बने रहते हैं। आईबी, सीबीआई, एनआईए, सिटी क्राइम, एसटीएफ, आईएसएफ और भी हैं। आखिर इनकी जिम्मेदारी क्या है? मुल्क की एकता अखंडता को तोड़ने के साथ देश विरोधी साबित करने की कोशिश कौन कर रहा है? इन्हें नजर नहीं आता आखिर इन्हें किस काम की तनख्वाह दी जाती है? क्यों उन चेहरों को बेनकाब नहीं किया जाता जो हकीकत में मुल्क की एकता को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर एक पूरी तस्वीर देखी जाती है तो सत्ता में जो बैठे लोग रहते हैं वही इसे ऑपरेट करते रहते हैं, और बार बार इस तरह का इल्जाम लगाकर एक समाज को अलग थलग करने की कोशिश की जाती रही है। क्या जितनी भी एजेंसियां हैं इन्हें सच्चाई मालूम नहीं रहती, या ये भी इसी का हिस्सा बनकर काम करते रहते हैं? अब तो दर्जनों बार हमने इस तरह के नारे लगाने के वीडियोस देखे हैं, पर अब तक असल मुजरिम सामने आता नहीं देखा। आखिर कब तक इस तरह झूठ के जरिए नफरत की सियासत चलती रहेगी? असल मुजरिम क्यों नहीं पकड़े जाते? वक्ती तौर पर वीडियो सामने आ जाते हैं, फिर खामोशी, एक सन्नाटा देखने को मिलता है। अब चेहरे बेनकाब होना जरूरी है। ऐसा न सिर्फ कर्नाटक बल्कि मुल्क के तमाम शहरियों की मांग है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। अब कुछ अहम खबरों पर एक नजर। बेलगाम शहर में कुत्तों का कहर बढ़ता जा रहा है, सभी जानते हैं। अब कुत्तों ने पुलिस वालों को भी काटना शुरू किया हुआ है। हासिल इत्तला के मुताबिक काकती पुलिस थाने के नजदीक एक पुलिस वाले पर ही कुत्ते ने हमला कर जख्मी करने की वारदात पेश आई है। बेनाड़ी के पास अपनी ड्यूटी निभाते वक्त वारदात पेश आई, मामला दर्ज किया गया। दुकानों होटलों के बोर्ड तख्तियों पर कन्नड़ नहीं रहा तो बोर्ड हटाए जाएंगे, यहां तक कि दुकान होटल का परवाना तक रद्द किया जाएगा। यह बिल हाल ही में बेंगलोर सेशन के वक्त मंजूर किया गया था कि 60% कन्नड़ बोर्ड पर होना लाजिम है, लिहाजा आज इस पर अमल करते हुए कई बोर्डों को हटाया गया। बेलगाम पुलिस कमिश्नर सिद्धरामप्पा आज वजीफे अब्तैन के रिटायर्ड होने पर पुलिस मोकमा की जानिब से परेड रखा गया था। परेड के जरिए पुलिस कमिश्नर सिद्धरामप्पा को एहतराम पेश किया गया। राम मंदिर प्रतिष्ठापना के वक्त शहर में अमन शांति को कायम रखने पर आठ पुलिस कांस्टेबलों को परेड मैदान में एजाज से नवाजा गया। एजाज पुलिस कमिश्नर सिद्धरामप्पा के हाथों दिया गया। वाज़ रहे 22 जनवरी को कुछ शरपसंदों ने प्राण प्रतिष्ठा के वक्त दरबार गली और फोर्ट रोड पर अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लिहाजा इन पुलिस वालों ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अमन को बरकरार रखने की कोशिश की, जिसमें खासकर असीर जमादार, नवीन कुमार, के एस नगरली, विठल कोकटनूर, आर एस कोलकार, मनोहर पाटिल, राजू कडपगोल ने उस जगह पर पहुंचकर मामले को काबू में लाया, जिसके लिए इन्हें इजाजत से नवाजा गया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।